हेलो गाइस, मेरा नाम है शेफ अमन और आज हम बनाएंगे घर पे चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी। सुनने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है और खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज है। दोस्तों, चिकन दो प्याज़ा मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है, उसी के साथ में मैंने एक चिकन दो प्याज़ा का स्पेशल मसाला भी बनाया है जिसको मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। पूरी रेसिपी आप देखिएगा बिल्कुल एंड तक, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मसाले बढ़िया तरीके से भुने हुए हैं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको बहुत ज़ोर की भूख लगने वाली है। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं चिकन दो प्याज़ा की रेसिपी बनती कैसे है। चिकन दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है और इस प्रेशर कुकर के अंदर मैं एक करछी सरसों का तेल ऐड करूंगा। अब इस सरसों के तेल को हमें गर्म करके ठंडा कर लेना है। उसी के साथ में कुछ खड़े वाले मसाले भी देख लेते हैं। मैंने एक बड़ी दालचीनी ली है, दो सूखी वाली लाल मिर्च, दो मैंने काली वाली या फिर बड़ी वाली इलायची ली है और एक बहुत ही बड़ा चम्मच मैंने जीरा लिया है। उसी के साथ में दो तेज पत्ता भी मैं ले लूंगा और आधी चम्मच लौंग को भी ले लूंगा। एक चक्री का फूल ले लेंगे और साथ में छह हरी वाली इलायची या फिर छोटी वाली इलायची और एक छोटी सी मैंने जावित्री भी ली है। इन सभी मसालों को हम तेल में बढ़िया तरीके से चटका लेंगे। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका, वरना मसाले क्या रहते हैं एकदम से जलने लगते हैं, तो इसलिए गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे रखिएगा। बढ़िया तरीके से आराम आराम से आप मसालों को चटकाइएगा और उसी के साथ में हम लोग के यहाँ पे एक कप प्याज ले लेनी है। अब मेरी हर रेसिपी में मैंने आपको बोला है कि बारीक कटी हुई प्याज, लेकिन आप प्याज का टेक्सचर देखिए, इतनी भी ज्यादा बारीक नहीं है, तो आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा बारीक प्याज का इस्तेमाल ना करें आप। छह प्याज का इस्तेमाल किया है मैंने, बड़ी साइज की प्याज थी और इनको मैंने ऐड कर दिया प्रेशर कुकर के अंदर। अब इनको गोल्डन ब्राउन तो करेंगे हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप 7 से 8 मिनट एकदम हाई फ्लेम पे इस प्याज को पकाइएगा, इस प्याज को भूनिएगा और एकदम गोल्डन ब्राउन मत करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर जो है गोल्डन ब्राउन तो है, लेकिन हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन है, तो हमें यही चाहिए था। अच्छा, उसी के साथ में हम इस प्याज को एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखिएगा दोस्तों और उसके साथ में हमें ऐड कर देना है इसके अंदर एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद आपको फटाफट से गैस की फ्लेम को हाई करते हुए मिक्स करते जाना है और 2 से 3 मिनट इसको आप लगातार चलाते रहिएगा। अब अदरक लहसुन का पेस्ट तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है, तो उसके साथ में आपको करना ही है कि आपको चिकन के पीसेस को ऐड कर देना है। आप बोलोगे कि भाई ग्रेवी नहीं बना रहे हो, तो ग्रेवी बनाएंगे, लेकिन ये जो चिकन दो प्याजे की प्रोसेस है ये थोड़ी सी अलग रहती है। तो मैं क्या करूंगा, चिकन के पीसेस को ऐड करने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। और अगर चिकन की क्वांटिटी की बात करूं तो मैंने 1 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। अब आपको गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और साथ में चिकन की भुनाई को बिल्कुल शुरू कर देना है। अब यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को बढ़िया तरीके से भुना है 5 मिनट हाई फ्लेम पे। उसके बाद में एक बार इसको और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा। और यहाँ पे मिक्स करते हुए हो चुके हैं भाई 5 से 10 मिनट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 मिनट पहले भुना, मिक्स किया, उसके बाद हाई फ्लेम पे ही मैंने 5 मिनट और भुना। और उसके बाद में मैं ऐड करूंगा कुछ पाउडर वाले मसाले, जिसमें 1 चम्मच हल्दी है, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच मैंने चिकन मसाला का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। और इस टाइम पे हम लोग का चिकन बहुत ज्यादा प्यासा होगा, तो हमें उसकी प्यास बुझा देनी है दही के साथ में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 150 ग्राम दही लिया है, जो मार्केट में नॉर्मल वाला दही मिलता है हमने वही इस्तेमाल किया है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पहले फेंट लिया था। उसको ऐड कर देना है मसालों में। अब चिकन की भुनाई को हो चुके हैं लगभग 10 मिनट और ये हाई फ्लेम पे भुनता जा रहा है, तो इसको लगने वाली है बहुत जोर की प्यास। तो मैं क्या करूंगा, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर दूंगा और फिर उसके बाद में हमने जो मसाला बनाया था दही के साथ और पाउडर वाले मसालों के साथ में, हम उसको अभी हाल ऐड कर देंगे। और ये जो मसाला बचा हुआ है हम लोग के बोल के अंदर, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको भी ऐड कर दिया, जिससे कोई वेस्टेज ना रहे। आप बढ़िया तरीके से पानी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन इसके बाद पानी आप नहीं ऐड करेंगे, तो आपको जितना ऐड करना है वो आप इसी टाइम पे ऐड कर दीजिए। तो हाई फ्लेम पे इसकी रोस्टिंग करते जाइए और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलाते जाइए। और देखते ही देखते अगर आप इसको इसी तरीके से पकाएंगे तो इसकी रंगत जो है वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी। अब चिकन को हाई फ्लेम पे पकते हुए हो चुके हैं 15 मिनट और यहाँ पे मैं एक बार इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया आ चुका है। ये हमारी कश्मीरी लाल मिर्च का कमाल है,
तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करिए हमारे चिकन को, और उसके बाद में हम इसको 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। और उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे, जिससे कि हमारा चिकन जल ना जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहा है हमारे प्रेशर कुकर के अंदर। और उसी के साथ में मैं आपको चिकन दो प्याजा का एक मसाला दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्च ली है, 1 बड़ा चम्मच धनिया दाना लिया है और 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च ली है। इन सभी मसालों को आपको तवे के ऊपर बहुत ही आराम से सेक लेना है और उसके बाद सिलबट्टे पे आप पीस लीजिएगा। आप चाहे तो मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप मसालों को बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा होने दीजिएगा। और मैं इस चिकन दो प्याजा का जो मसाला है उसके अंदर मैं 2 चम्मच ऐड कर दूंगा हमारे प्रेशर कुकर में चिकन बनते टाइम पे। और उसी के साथ में अगर आप चाहें तो इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कसूरी मेथी बाद में अलग से ऐड करी है, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। अब यहाँ पे मसाला डालने के बाद हम इसके अंदर 2 प्याजे के लच्छे ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 बड़े साइज की प्याज का इस्तेमाल किया, उनके बढ़िया से लच्छे निकाल लिए, इस तरीके से क्यूब्स निकाले अनियन के और उन्हें ऐड कर दिया प्रेशर कुकर के अंदर। और उसी के साथ में मैं कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दूंगा। और कटा धनिया ऐड करने के बाद हम एक चीज और ऐड करेंगे, तो हम ऐड करने वाले हैं इसके अंदर हरी मिर्च को। तो मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए मैं 4 हरी मिर्चों को इस्तेमाल कर रहा हूं। और आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखने लग रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला जो है चिकन के पीसेस पे लिपटने लगा है। तो हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अब टोटल चिकन को पकते हुए हो चुके हैं लगभग 20 मिनट और आप देख सकते हैं कि चिकन के पीसेस बहुत ही बढ़िया मसाले में कोटेड हैं। लेकिन मैं क्या करने वाला हूं, अगर आप इसको हांडी में बना रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पका सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पे क्या किया है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आपको लग रहा है कि दही आपने बहुत ज्यादा गाढ़ा इस्तेमाल किया है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो है थोड़ा सा पतला दही का इस्तेमाल किया है। मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दिया और उसके बाद में हाई फ्लेम पे एक सीटी दे दी। उससे होगा ये कि चिकन बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा गल जाएगा और पानी ज्यादा ऐड ना करने से मसाला इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से लिपट जाएगा। तो आपको एक सीटी बिल्कुल हाई फ्लेम पे दे देनी है, प्रेशर कुकर को बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। और उसके बाद में हम खोल के देखते हैं हमारे चिकन दो प्याजा को। चिकन का रोगन जितना भी था वो ऊपर आ चुका है और इसको एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से जब आप मिक्स करेंगे तो सारे के सारे मसाले जो हैं अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तो दिख रहा है, लेकिन अभी इसको और ज्यादा लटपटा बनाने के लिए यानी कि ग्रेवी को चिकन पे चिपकाने के लिए हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी का, जिसको मैंने भून लिया था, अच्छे तरीके से पाउडर बना लिया। और उसी के साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 चम्मच जो चिकन दो प्याजा का मसाला बनाया था हम वो भी ऐड कर देंगे। तो इससे यहाँ पे 3 चम्मच पूरे के पूरे इस्तेमाल हो गए रेसिपी में और कोई वेस्टेज भी नहीं रहा। और उसी के साथ अगर आप चाहें तो कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन के ऊपर जो मसाला लिपटा हुआ है वो खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ जाएगा और साथ में ये जो 2 प्याजे के लच्छे हैं प्याज के वो खाने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगेंगे। और उसी के साथ में यहाँ पे जो हम लोग का चिकन दो प्याजा है बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुका है, मसाला अच्छी तरीके से लिपट चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्रेवी सेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी तरीके से लिपटा हुआ चिकन खाना पसंद है तो मैं तो ऐसी खाऊंगा। और अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी पतली करना चाहें तो गर्म पानी का इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो चिकन दो प्याजा है वो बन के हो चुका है बिल्कुल तैयार। दोस्तों कैसी लगी रेसिपी आप मेरे को बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मैं नई नई रेसिपीज लेके आऊं तो आपको सबसे पहले पता चले। तो हम फिर मिलते हैं नई नई वीडियोस और रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।